अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं, मैं शान शेख हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद पंजाब भर के हलकों में जो है वो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। तो हम इस वक्त आरओ के ऑफिस में मौजूद हैं जहाँ पर हलका पीपी 210 के मुख्तलिफ उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है और वो अपनी रैलियों की शक्ल में आकर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। हम आपको मिलवाएंगे इन उम्मीदवारों से और उनके ख्याल आप तक पहुँचाएंगे। जमात इस्लामी की तरफ से पीपी 210 के लिए अपने कागजात एमपीए की सीट के लिए जमा करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन विन करके अपने हलके में करप्शन के खात्मे के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए, वडेराशाही जगीरदारी के खात्मे के लिए अवाम के हमराह होंगे और इंशाल्लाह अपने हलके को जुल्म से और करप्शन से बिल्कुल साफ करेंगे। नायक साहब, पार्टी ने तो अभी टिकटों का ऐलान नहीं किया, तो आप किस पार्टी की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं? आज तो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का दिन है और पार्टी एफिलिएशन जो है वो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन आज तो नॉमिनेशन का दिन है। मेरे ख्याल टिकट्स के फैसले भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। तो आप कितने परसेंट आपको उम्मीद है कि आपको एमपी का टिकट मिलेगा? काफी उम्मीद है, लेकिन बाकी बेहतर तो अल्लाह की जात अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें पहले भी 210 में फतह दी थी और मैं समझता हूँ आज जो लोगों का जोश और खरोश है, जो मेरे साथ कागजात जमा कराने के लिए लोग आए हैं, पहले कभी इतने लोग नहीं थे जितने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो मुस्लिम लीग नून की सीट है और इंशाल्लाह 210 में शहर जीतेगा। पेपर जमा हो रहे हैं, पेपर जमा कराने लोग आ रहे हैं। ये आपको ना जी सही बताऊं तो जो मंझे हुए सियासतदान है ना जी, वो आपको 6 तारीख को ही बताएंगे कि किस तरह कौन किस तरफ से आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने ये गेम्स पहले खेली हुई हैं उनको पता है कि जिस दिन निशान की अलॉटमेंट होनी है उसी दिन पता लगना है कि किसका क्या निशान है। सर निशान पे ही आ रहे हैं कौन? आप पार्टी देखें देखें, यूँ नहीं होता। मैंने जब भी कागजात जमा कराए हैं, जब तक मैंने टिकट नहीं जमा कराई तब तक अलॉटमेंट ऑफ सिंबल तक तब तक सभी आज़ाद हैं, जो मर्जी लिख ले बीच में, तो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक क्लॉज है, क्लॉज जिस तरह मर्जी आप उसको भर लें। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, आज पेपर नॉमिनेशन का दिन आखिरी दिन है, उस सिलसिले में यहाँ पर सारे लोग जो है ना यहाँ पर मेरे साथ जमा हैं। हम पेपर जमा करवा इस वक्त करवाने के लिए आए हैं। मैं इमरान साहब के साथ था, खड़ा हूँ, इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। मैं पीपी 210 का नुमाइंदा हूँ। किस जमात की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं? हम मुस्लिम के बाद आपका क्या? मुस्लिम लीग नून की तरफ से करा रहे हैं, इंशाल्लाह जीत के बाद मुल्क की खिदमत करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना उम्मीदवारों के ख्यालात। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक पीपी 210 में टिकट का ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से इनफरादी तौर पर 4 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस हलके की फातह जमात है और गुज़िश्ता 3 मुसलसल इंतखाबात वो जीत कर यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, चौधरी अताउर रहमान ने यहाँ पर जो है वो पीपी 210 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब देखते हैं कि कागजात नामजदगी जमा होने के बाद मैदान जो लगेगा और उसमें इंतखाबी जो मार्का सजेगा उसमें फातह कौन होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।